नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू द कंप्यूट। आपको बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है अलाउ हो रही है। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको दे देते ए, ठीक है, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब अगले को हम अगर देखते हैं तो हमारा पहला क्या है ए, ठीक है, इंटू बी, ये हमारा ब्रैकेट, ठीक है, इंटू ये क्या हो गया सी। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, सिर्फ हमने क्या किया ब्रैकेट का चेंज किया है, ब्रैकेट पहले बी सी को सॉल्व किया था फिर यहाँ पर क्या किया ए बी को। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देख ही लिया होगा क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, वाई और वाई नॉट। आपको ये बोला गया है 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जो -1/1/8 दिया हुआ है ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, है तो क्यों है, ठीक है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करके देखना होगा कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर a है, ठीक है, 1/a है, इनकी कट होके हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है -1/1/8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा इसका, अगर 8 1 8 और 1 क्या हो गया 9, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 9 -9/8। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन 8/9, तो ये क्या इक्वल है 8/9 की मल्टीप्लाई -9/8। यहाँ पर हमने कट किया इसको, इसको भी कट किया, तो इक्वल टू आपका क्या आ गया -1 आ गया ना। तो ये क्या है जो आपको क्वेश्चन पूछा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है -1, यहाँ पे -1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। तो हम इसको लिखेंगे बिकॉज क्या है ये मल्टीप्लीकेटिव, दिस इज नॉट ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 बिकॉज हेयर द प्रोडक्ट, हेयर द प्रोडक्ट इज नॉट 1, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सेम वही क्वेश्चन कर रहा है कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या इसका 0.3 और 3 1/3। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम 0.3 × 3 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर ये पॉइंट आपने हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा 3/10, ठीक है, इंटू 3 3 ज़ा 9 और 9 1, ये फ्रिक्शन सॉल्व करना तो आपको छोटी क्लास में आता ही होगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10/3। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, कि इस तरीके से प्रॉपर्टी थी उसकी कि अगर कैंसिल आउट हो तो हमारा क्या आ जाए आंसर 1 आ जाए। तो यहाँ पर आंसर 1 हो गया, तो इसका प्रोडक्ट क्या है 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यस 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।